वेलकम बैक वंस अगेन। इस चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। और सुबह की शुरुआत हो रही है भगवान जी के दर्शन से। नेक्स्ट डे है, जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा है, हस्बैंड का बर्थडे वाला डे है। तो आज की वो लास्ट नाइट का सेलिब्रेशन है जो आपने देखा है। सुबह की शुरुआत बड़े अच्छे से हो गई है, घर में भजन चले हुए हैं और आज मैंने चलाए हुए हैं ये हनुमान चालीसा वगैरह। डे मुझे याद नहीं है, सैटरडे था। तो यहाँ पर हनुमान चालीसा चली हुई है और घर में साफ़ सफाई हो रही है, बेटी कर रही है कुछ, मैंने कर दिया है, मतलब सबने मिलजुल कर किया है। ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर कोई भी एक काम एक ही बंदे ने किया। हाँ, किचन का मैं ही कर रही हूँ, वो तो और कोई करेगा ही क्या। तो मलाई रखी हुई थी काफ़ी सारी, दो जगह रखी हुई थी, मैंने वो निकाल ली है। मैंने सोचा चलो आज मैं घी बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि फ्रिज में ना जब दो जगह हो रही है और जब मुझे दिखता है कि अब फ्रिज में जगह नहीं है कुछ सामान रखने के लिए, क्योंकि फ्रिज मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि देखिए ख़राब अभी हुआ नहीं है, काफ़ी पुराना है, तो उसे चेंज करना तो बनता ही बनता नहीं है। तो यहाँ पर बीच में वॉइस ओवर जो है ना, वो मेरे से पता नहीं किस तरीके से रुक गई थी। खैर छोड़िए, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है मेरी वीडियोस में, तो आप टोटली इग्नोर कर दीजिएगा। सोच लीजिएगा कि उसको थोड़ी अभी आती नहीं है, ये सोच करके छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैं चला रही थी वही कढ़ाई में मलाई को ही चला रही थी, और दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा दूध गर्म कर लिया है और उसको ही मैं जमा दे रही हूँ दही, क्योंकि ये काम ना सुबह सुबह में ही कर लो तो ज़्यादा सही रहता है, वरना उसके बाद फिर जमाओ तो वो देर देर से जमती है, और फिर दोपहर के खाने में तो कम से कम हम खा ही नहीं पाते हैं दही को। तो मैंने सुबह सुबह में ही जमा दी है, और ये देखिए घी मेरा निकल चुका है। तो बस अब मैं इसको साइड रख दूँगी और उसके बाद मैं करती हूँ अपने और काम। और हाँ, आज है हस्बैंड का मेरे बर्थडे, तो विश तो बनती है ना, तो चलिए कर दीजिए फटाफट उनको। वैसे मेरा भी आने वाला है, मैं बता दूँ मेरा 12 तारीख का है, उनका फर्स्ट का होता है। और यहाँ पर आज मैंने सोचा चलो आज वीडियो में इनको थोड़ा ज़्यादा लिया जाए, और आप देख रहे होंगे थोड़े से ये हेजिटेट हो रहे थे कि ये मेरी वीडियो बना रही है, मतलब इन्होंने सोचा कि हटा लेगी, लेकिन फिर जब ज़्यादा ही हुआ तो मैंने हटा दिया। वो कर रहे हैं अपनी शेव, तो मैंने तब तक उनके कपड़े जो है यहाँ पर निकाल कर रख दिए हैं। वैसे तो मैं निकालती ही हूँ उनके, लेकिन इस तरीके से मतलब थोड़ा सा ना मैंने आपको दिखाना उचित नहीं समझा कभी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं दिखा देती हूँ। और जब तक वो नहाने गए हैं तो मैं यहाँ पर देखिए नाश्ते की तैयारी कर ली है। मैंने कट कर लिए हैं आलू, और जो तेल है उसको मैंने बॉईल कर लिया है, मतलब पका लिया है, और देखा तो बेसन ख़त्म, क्योंकि बेसन जो है ना मैं राजधानी का ही यूज़ करती हूँ जो पैकेट वाला होता है बंद वाला, फिर मैंने पास की ही एक दुकान से फटाफट से बच्चों से बेटे से मंगाया। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरह से पन्नी में आप लोगों को आपने देखा नहीं होगा, तो कुछ लोगों के मन में ये आ सकता है कि ये पन्नी वाला ऐसे अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने एक बात क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर बस मैंने उसका घोल जो है तैयार कर लिया है, और अब उसमें मैं आलू डाल करके फटाफट मतलब जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ उनका अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट तैयार। तो क्योंकि वैसे तो देखिए गर्मी भी बहुत है और ये मतलब अच्छी नहीं लगती है इस तरह की ऑयली चीज़ें, ना तो सेहत के लिए अच्छी होती है और हमें तो खाने में भी अच्छी नहीं लगती। और आपने नोटिस किया मैंने ना हेयर कलर लगा लिया है, क्योंकि मुझे हस्बैंड के साथ पहले शॉपिंग करानी थी, मेरा पूरा प्रोग्राम तय था, तो मैंने फटाफट पहले दिन बारिश हो रही थी लेकिन मैंने फटाफट पहले बाल धोए, उनको सुखाया, फिर मैंने लगाया हेयर कलर। और इतने में बात करते करते देखिए नाश्ता भी तैयार हो गया है और मैंने हस्बैंड को सर्व भी कर दिया है। और देखिए कितनी थोड़ी सी कॉफ़ी और बिल्कुल थोड़ी सी पकौड़ियाँ मैंने उनको दी हैं, और वो इसी बीच यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनको बोल रही थी कि आप पर ना ये टी शर्ट का कलर अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर वो जाने लग रहे थे, तभी मैंने उनका एक लुक भी आपके लिए ले लिया है। तो बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और इनको जाना है शहर से बाहर, शाम तक आ जाएंगे, तो अभी बस ये निकल लिए हैं। तो मैंने छोटा सा रूटीन इनका आपके साथ शेयर किया है, आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा। मेरा रूटीन तो मैं करती ही करती हूँ शेयर, तो मैंने आज इनका भी कर दिया और बाइक उठा कर ये निकल लिए हैं। ये बाइक से नहीं जाएंगे, ये गाड़ी से जाएंगे। गाड़ी जो है ना हमारी, जो हमारा पुराना घर है वहीं पर हम लोग खड़ी करते हैं, अभी हमने यहाँ पर नहीं लाई है, जो सामने दिख रही है वो पड़ोसियों की है, हमारी नहीं है। तो अभी देखिए इनको पता नहीं था कि मैं ऊपर देख रही हूँ, इन्होंने देखा कि मैं ऊपर से भी वीडियो बना रही हूँ, तो एक स्माइल देख करके और निकल लिए। बैकवर्ड्स अगेन। तो दो वीडियोस मेरे ऐसे हो चुके हैं जिनमें मैंने सिर्फ वॉइस ओवर किया है, ये वाला भी स्टार्टिंग से, इसमें भी मैंने
सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर किया है, उधर टीवी चला हुआ है, उसका नज़र जा रही है मेरी बार बार, जो कैमरा में बहुत अजीब लगता है बाद में जब मैं एडजस्ट करने बैठती हूँ तब भी। तो जैसे आप लोगों को पता ही है, तो अभी ये सेकंड व्लॉग है मेरे हस्बैंड के बर्थडे का। तो आप लास्ट व्लॉग में सेलिब्रेशन देख लिया, तो इस तरीके का जो सेलिब्रेशन होता है ना, वो हम मोस्टली रात में ही कर लेते हैं, क्योंकि दिन में हम चारों इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हस्बैंड को बाहर मतलब शहर से बाहर नहीं, घर से बाहर तो जाना ही जाना रहता है। देखिए घर में बैठ के तो काम होता नहीं किसी भी जेंट्स का, सभी को घर से बाहर जाना ही रहता है। तो इस वजह से ना हम लोग रात में मिडनाइट जैसे डे शुरू होता तब कर लेते हैं, और अगर होते हैं वो घर पर तो हम नेक्स्ट डे इवनिंग में फिर से कर लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आज पॉसिबल नहीं लग रहा है। अभी शाम का 3 बजा है और हस्बैंड गए हैं शहर से बाहर, सुबह ही चले गए थे। और आपने देखा भी है मेरे लोग के साथ उनका छोटा छोटा सा कुछ रूटीन का शेयर किया है उसका, कि आज उनका डे है भाई, तो उनका रूटीन शेयर करना तो बनता है ना, अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ। हालांकि मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ, उनका चैनल तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो मेरे हस्बैंड है तो मैंने छोटा मोटा कुछ उनका रूटीन शेयर कर दिया है। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं आया पसंद तो मुझे क्लिक करके बता दीजिएगा, कि डिसलाइक तो मैं किसी का देख नहीं सकती हूँ। तो और सुबह के बाद मैंने कोई व्लॉग भी नहीं किया, अभी हम दोपहर का खाना पीना खा करके बैठे हैं, मैं और मेरे बच्चे। बेटी कर रही है किचन में थोड़ा सा काम, उसको बोल करके आई है, बेटा दूसरे रूम में है और मैं अभी इधर बैठी हूँ। मैंने सोचा चलो इस वीडियो का लास्ट कर लेती हूँ। मेरे ख्याल से दोनों ही वीडियो ना बहुत छोटे छोटे बने हैं अभी तक। मैंने पहला भी वीडियो एडिट नहीं किया है, उसको भी करूँगी और इसको भी करूँगी। हाँ आज ही नहीं करूँगी मैं, वैसे आज की टीम का बर्थडे है तो आज ही नहीं करूँगी, अभी मुझे थोड़ा सा और काम है, फिर शाम के खाने की तैयारी व्यारी, क्योंकि उनके आने से पहले मुझे खाना वाना तैयार करना है, क्योंकि सुबह बस नाश्ता ही करके गए हैं, पता नहीं बाहर खाएँगे पियेंगे या नहीं, क्योंकि वो बस ऐसे ही हैं, खाया खाया नहीं खाया नहीं खाया, काम में ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए देखती हूँ आज, तो कल भी मेरा वीडियो नहीं गया और आज की वीडियो तो शायद मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैंने वीडियो को एडिट करके रखा हुआ है, बल्कि अपलोड भी मैंने किया हुआ है, सिर्फ पब्लिक करना रहता है, उसका टाइटल वगैरह डालना रहता है, डिस्क्रिप्शन भी शायद मैंने डाल दिया है, सिर्फ टाइटल रहता है, टाइटल ही मैंने डाला था। तो देखती हूँ सर्वे तो मैं कर दूँगी, तो आप लोग जाइएगा और देख लीजिएगा, और इस वीडियो को जब भी आप लोग देखें तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ तक अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरा यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मुझे झेल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।